HNB UAMU 2022 ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं और काफ़ी कंफ्यूजन है BSc नर्सिंग के स्टूडेंट के अंदर कि सर 50 के नीचे वालों को यहाँ पे मौका मिलेगा सेकंड काउंसलिंग में कि नहीं, और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज है फीस के रिगार्डिंग कि सर सेकंड काउंसलिंग में फ़ीस पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कि ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट काउंसलिंग के द्वारा सेकेंड काउंसलिंग के थ्रू अपना कॉलेज का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन आप तमाम स्टूडेंट के अंदर है और सारा कंफ्यूजन मैं विद प्रूफ आपके सामने अनाउंस करूंगा और विद प्रूफ ही सारे आंसर आपको दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो के लास्ट में मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग भी वीडियो डाल दूंगा कि कितनी कट ऑफ यहाँ पे गई है, चाहे फर्स्ट काउंसलिंग में JNM ANM पे BSc नर्सिंग की, तो वीडियो भी आप देख लेना। देखो स्टूडेंट, मैं जो भी बात कहता हूँ विद जेन्युइनली कहता हूँ और मुझे नहीं पता अदर चैनल्स आपको क्या वीडियो प्रोवाइड करते क्या नहीं करते प्रोवाइड, लेकिन मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ विद प्रो भी आपको बताता हूँ, जेन्युइन ही बात आपको बताता हूँ। आई होप जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, एडमिशन लिया होगा, उनको उस चीज़ का ज़रूर एहसास हो गया होगा। तो यहाँ पे आप बात करते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात, तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 12वें नंबर का जो नोटिफिकेशन है, अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम / द्वितीय चरण की काउंसलिंग के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में आवंटित हुए सीट पर प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर संबंधित संस्थान में प्रवेश संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में उस आवंटित सीट विशेष को रिक्त मानते हुए आगामी काउंसलिंग चरण में पुनः सम्मिलित किया जाएगा। यद्यपि यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसलिंग में बोर्ड द्वारा उसके आवंटित हुई सीट पर निर्धारित समय अवधि तक प्रवेश पूर्ण नहीं करता है तो उसे द्वितीय काउंसलिंग चरण में पुनः पंजीकरण करने की अनुमति होगी, परंतु इसे हेतु पुनः निर्धारित पंजीकरण शुल्क धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेजेस एलोटेड हुआ था लेकिन हो किसी कारणवश जो कॉलेजेस उन्हें एलोटेड हुआ है वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं, देन डेफिनेटली उन्हें सेकेंड काउंसलिंग में मौका जरूर मिलेगा, लेकिन उन्हें जो फीस है यहाँ पे काउंसलिंग जो फीस आपकी रही है अलग अलग कोर्सेज की 1000 JNM ANM की, वो फीस आपको दोबारा यहाँ पे भरनी पड़ेगी। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कोई भी कॉलेजेस एलोटेड नहीं हुआ है या जिन्हें कॉलेजेस एलोटेड हुआ है लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लिया था जो 13 दिसंबर तक जो आज आपकी डेट थी, उन्हें दोबारा यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जिनका नाम आया था, जिन्होंने एडमिशन ले लिया था और अब अपनी सीट को अपग्रेड या अपना जो कॉलेज है वो चेंज करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पे कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है, यहाँ पे कोई भी मेंशन यहाँ पे मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में सीट आवंटित होती है और उसके द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत समय आवंटित संस्थान में प्रवेश पूर्ण कर लिया जाता है तो उसे द्वितीय काउंसलिंग चरण में अपग्रेड हेतु सम्मिलित हेतु पुनः पंजीकरण कराने की अनुमति होगी, परंतु इस हेतु उसे कोई अतिरिक्त पंजीकरण धनराशि नहीं जमा करनी होगी। आई होप ये दोनों डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तीसरा जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समय प्रवेश ले लिया है तथा वे द्वितीय चरण काउंसलिंग में सीट आवंटन की कार्यवाही में नियमानुसार सम्मिलित होकर उक्त आवंटन संस्थान को बदलना अपग्रेड करना चाहते हैं, परंतु उक्त सीट आवंटन की कार्यवाही केवल उस अभ्यर्थी उत्तराखंड JNM पैरामेडिकल पोस्ट मेट्रिक नर्सिंग एवं पैरामेडिकल की मेरिट एवं द्वितीय चरण में उपलब्ध रिक्त सीटों पर ही की जाएगी। कहने का मतलब कि अगर वहाँ पे सीट वैकेंट होगी और आपका सीट अपग्रेड हो रहा होगा देन डेफिनेटली आपको सेकेंड काउंसलिंग में वहाँ पर्टिकुलर कॉलेजेस एलोटेड हो जाएगा। एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, एक बार पूर्व आवंटित सीट को अपग्रेड कर यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा दूसरे संस्थान की सीट आवंटित कर दिया जाता है तो उसकी पूर्व में आवंटित सीट पर अधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। उस रिक्त सीट के काउंसलिंग बोर्ड द्वारा मेरिट के अगले इच्छुक अभ्यर्थी के आवंटन कर दिया जाएगा। कहने का मतलब इनका ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में काउंसलिंग कॉलेजेस एलोटेड हो गया है, सेकंड काउंसलिंग में कॉलेजेस एलोटेड हो जाता है तो जहां उन्हें पहले सीट एलोटेड हुई थी वहां पे उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उन्हें जो सेकंड कॉलेजेस उन्हें एलोटेड हुआ है सेकंड काउंसलिंग में वहाँ उनका यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस हो जाएगी। आई होप आप समझ चुके होंगे। फीस आपकी दोबारा यहाँ पे नहीं होगी स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट सीट आपको एलोटेड है तो वहाँ पे आपका जो एडमिशन के जो डिमांड ड्राफ्ट है आपका जो डाटा है वहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। आई होप ये जो डाउट था काफ़ी स्टूडेंट के अंदर कि सर हमें क्या दोबारा फीस जमा करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा स्टूडेंट। आई होप ये सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा।
और यहाँ पे 16 पॉइंट देख सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चरण, और काफी स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जैसे कि मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो क्या सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, तो 18 नंबर पे आप पढ़ सकते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं किया है तो वह द्वितीय चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसे जो रजिस्ट्रेशन फीस है यहाँ पे करनी पड़ेगी, देन उसके मेरिट के बेस पे ही आपको यहाँ पे सीट एलोटेड होगी। आई होप ये सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग। काफ़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट के अंदर कि 50 से नीचे सर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो स्टूडेंट, मैं जो भी बात कहता हूँ विद जेन्युइनली कहता हूँ, अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं आपको एक होप होती है, उस होप को आप बनाए रखना। मैं क्यों उस चीज़ को कह रहा हूँ इसका प्रूफ मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजन, जो फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट आए थे इसमें जो टोटल स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जो टोटल यहाँ पे स्टूडेंट है 130 स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, 125 to 130 स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। सेम यहाँ पे बात करता हूँ, देख सकते हैं इस बार जितने भी बच्चों को कॉलेजेस एलोटेड, गवर्नमेंट कॉलेजेस एलोटेड हुए हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, मतलब 50 से नीचे जिन स्टूडेंट के मार्क्स हैं उन्हें यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, इसका रीजन ये है। सबसे पहले आप सीट मैट्रिक्स पे ध्यान दो। देखो स्टूडेंट, जो सीट मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं ये 7 जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो टोटल सीटें हैं मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर के थ्रू दिखा रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। यहाँ पे पहली सीट है 66 प्लस 44 प्लस 44 प्लस 33 प्लस 55 प्लस 44 प्लस 66, देख सकते हैं 352 है, और टोटल जो स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट काउंसलिंग में 130, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 352 माइनस 130, तो टोटल 222 सीटें अभी भी गवर्नमेंट की खाली है। चलो गवर्नमेंट की सीट तो खाली है ही, यहाँ पे बाकी सीटें आप देख सकते हैं जो कॉलेजेस है आपके प्राइवेट कॉलेजेस स्टेट कोटे की जहाँ पे सीट है, तो यहाँ पे देख सकते काफ़ी कॉलेजेस है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि यहाँ बीएससी नर्सिंग के एडमिशन होंगे नहीं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। देखो स्टूडेंट, मैं जो भी बात बोलता हूँ विद जेन्युइनली कहता हूँ, जब तक कोई नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आएगा तब तक मैं नहीं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलर डाटा के बेस पे मैंने आपको बता दिया है कि आपके यहाँ पे काउंसलिंग से 50 से नीचे जिन स्टूडेंट के मार्क्स हैं उन्हें जरूर यहाँ पे मौका मिलेगा। आई होप आज आपको ये ट्रस्ट आ चुका है। देखो स्टूडेंट, होप नहीं खोनी चाहिए, जल्द से जल्द आपके लिए एक नोटिफिकेशन यहाँ पे अनाउंस होगा, और सेकेंड काउंसलिंग की ब्रॉडकास्ट और सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग 15 दिसंबर के बाद आपके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। जैसी नोटिफिकेशन जारी होगी उसके रिगार्डिंग मैं फुल वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल अपडेट विद नब्बू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अनदर क्वेरी आपकी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।